अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक वर्ल्ड विद अफान। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खीर। मैंने एक भगोना ले लिया है, इस भगोने में मैं ऐड कर लूँगी पानी। अब मैं इस भगोने में ऐड कर दूँगी दूध। यहाँ पर मैं 1.5 लीटर दूध ले रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो दूध की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। अब इस दूध में मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। इस ग्लास से 1.5 ग्लास चीनी ऐड कर रही हूँ। मैं इसे मिक्स करते रहूँगी ताकि जो इसमें चीनी है वो अच्छी तरह से घुल जाए। और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी उबाल आने तक। तब तक हम चावल को और इलायची को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक जार ले ली। अब इस जार में मैं ऐड कर लूँगी चावल। इस ग्लास से 1.5 ग्लास चावल ऐड कर लूँगी। इसी के साथ ऐड कर लूँगी 3 से 4 इलायची और ग्राइंड कर लूँगी। दूध में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चावल और इलायची का पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। तो हमें अच्छी तरह से अब ये खीर में मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच असली घी। आप चाहते हो तो दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी के साथ मैं ऐड कर लूँगी ड्राई फ्रूट्स। अब हम खीर को सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आप लोग को पसंद आई है तो आप लोग भी ट्राई करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।